नंबर फोर का पार्ट नंबर टू रह गया हमारा जी, लॉग ए सिक्स इज इक्वल टू 0.5, और क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर रह गया, वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और सिक्स का पार्ट नंबर कौन सा रह गया जी, लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 2। सेम पैटर्न है दोनों का, नजर आ रहा है आपको मसला? तो जो करनी है आपने, पहले तो इसे एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखे, ए बेस है और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है और इज इक्वल टू 6 मसला, बाकी बात है। इसको अगर मैं लिखूं तो x की पावर में 2, x बेस है और इक्वल के दूसरी तरफ 2 है 64 का मसला, उसको भी हम देखते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, वो डिफरेंट पैटर्न है उसका, ठीक है। तो जो करनी है, 0.5 को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 0.5 पॉइंट ख़त्म करें तो आपको पता है कि पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे लिख देते हैं। 5 1s are 5 2s are, तो 1/2 आ गया, और 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट। पावर में अगर 1/2 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, तो आप चाहें तो इसको यूं देखें, पहले यूं कर सकते हैं, पावर लिख सकते हैं 1/2। अब आपको पता चल गया ना क्यों लिखा मैंने 1/2, ठीक है, क्लियर होगी बात। या आप बिल्कुल इसको सिंपल सा तरीका कर लेते हैं, हमें समझ आ गई है कि 0.5 है तो इसका मतलब अंडर रूट, और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हम इसकी पावर अपने पास से दोनों तरफ पावर 2 ले लेते हैं, अगर हम इक्वल के दोनों तरफ इस सेम काम करें तो कोई गलत काम नहीं है। इतना काम हो गया, 6 की पावर 2 36, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, 0.5 × 2, तो a की पावर 1 आंसर आ गया, a की पावर 1 ऐसे ही है तो मसला, इतना आसान काम था ये, तो क्लियर होगी बात। अच्छा इधर वाले पर आ जाए, अब x का आंसर निकालना है पावर 2, ये तो आपने काफ़ी दफ़ा बचपन में काम किया है, क्या करेंगे इसको, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड, तो ये कटिंग हो गया, एक्स का आंसर क्या आ गया 8, ठीक है, कोई मसला। दूसरा तरीका इसका ये है, इसी सवाल को करने का, एक्स की पावर 2, 64 को सोचें कि ये किसकी पावर 2 होता है, 8 की पावर 2 होता है, 8 की पावर 2। अब देखिए पावर पावर के इक्वल है, सेंटर में क्या है, तो बाय कंपैरिजन लिखेंगे आप तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, दोनों पैटर्न मैंने ये बता दी, ठीक है। ये वाला सवाल देखें, इसमें लॉग नहीं है, लॉग ये एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में है, लॉग वाली फॉर्म में लिखें, लॉग वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, जो बेस है वो बेस ही होगी, जो इसकी पावर है वो इक्वल की दूसरी तरफ होगी, उधर से आती है ना, और जो ये है वो सामने लिखी जाएगी, कोई मसला। लॉग 10 है, लॉग की बेस क्या है, इसका मतलब कॉमन लॉग है, क्या है, आम लॉगरिथम है। आप कैलकुलेटर पकड़े, लॉग लिखे, 40 लिखे, 0.6020 इसका आंसर आ जाएगा, ये इस तरह सिंपलेस्ट काम करना है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है, क्लियर होगी बात। लॉग 10 का मतलब क्या है, कॉमन लॉग, कैलकुलेटर पकड़े, लॉग लिखे, उसके आगे 40 लिखे, इक्वल का बटन दबा दें, नंबर सी वैल्यू आएगी 0., आप पहले 4 डिजिट लिख लें बस, क्लियर है, पॉइंट के बाद वाले कोई टेंशन।